हेलो दोस्तों, कृष्णा पॉइंट में आप सबका स्वागत है। ये रेशियो की अगली क्लास की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाओ, उसमें वो कह रहा है इन एन अलॉय, अलॉय क्या होता है, मिश्रण होता है। किसका मिश्रण दे रखा है, कॉपर और जिंक का, और उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो भी दिया हुआ है। कॉपर और जिंक का रेशियो जो है 5:2 दिया हुआ है। उसने कहा अगर जिंक 1.250 kg इंक्रीज कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो जो फाइनल रेशियो आएगा वो क्या होगा। अगर अलॉय की वैल्यू 17.500 kg है, ये दे रखा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने कहा कि कॉपर है और जिंक है, उसमें 5:2 में दे रखा है। उसमें उसने जिंक में 1.250 की इंक्रीज करा दिया, बढ़ा दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि टोटल नेट जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, रेशियो पूछा हुआ। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दें कैसे बताएं। अगर अलॉय की वैल्यू इतनी दे रखी है, अलॉय क्या है, दोनों को मिला के, तो इसका मतलब क्या, 5 और 2 7 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 2.500। अब 0.0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम समझदार हैं थोड़े से। तो ये बस इतना लिख लो कि 2.5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5। अगर मैं 2 की बात निकालूँ तो 5, ठीक है। उसने कहा इसमें इतना और ऐड कर दो तो क्या बन गया, 6.25 और 12.5। इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ, काट दो, ये 2 पे कट गया, 1 पे कट गया, ये हमारा क्या होगा, फाइनल रेशियो। कट कर लेना, पॉइंट को हटाकर नीचे 100, पॉइंट को हटाकर नीचे 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 10 को इस साइड लिया, इसको इसके नीचे लेके जाओ, सारा कुछ कट, कटने के बाद रेशियो जो है 2:0 बनी आएगा, ठीक है। समझदार हो आप, काट लोगे। वैसे भी पता ही है 6.25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12.5 ही आएगा, बहुत सिंपल सा था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, देर आर 3 कंटेनर, 3 कंटेनर दे रखे हैं अलग अलग, लेकिन कहा है कि इनकी क्वांटिटी सेम। आगे क्वेश्चन में जब पढ़ोगे इनकी क्वांटिटी जो है वो सेम है, लेकिन इन कंटेनर में मिल्क और वाटर रखा हुआ है। मिल्क और रेशियो वाटर दे रखा है, मिल्क रेशियो वाटर दे रखा है। तो क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है, उसके बाद 7:3 दे रखा है और 11:4 दे रखा है। उसने कहा इन सबको मिलाने के बाद, अगर इन सबको मिलाने के बाद फाइनल जो रेशियो आएगा उस रेशियो की वो बात कर रहा है। रेशियो को दे रखे हैं और रेशियो ही पूछ रखा है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर वो पूछ लेता कि रेशियो ही है और मेरे को फाइनल क्वांटिटी बताओ तो हम बता नहीं पाते और क्वेश्चन का आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। चलो अब रेशियो दे रखे हैं और रेशियो पूछ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उसने कहा कि कंटेनर जो है वो सेम क्वांटिटी के हैं या इक्वल क्वांटिटी के हैं, बराबर बराबर क्वांटिटी के हैं। तो हम कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कितना है, 5, ये कितना है, 10, ये क्या है, 15। अगर मेरे को क्वांटिटी इक्वल करनी है तो मेरे को इनका एलसीएम चाहिए, इन सबका मल्टीपल ही तो इनका ऐसा नंबर आएगा जो इनको बराबर बराबर बांट देगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 30। अब इसको अगर मेरे को 30 बनाना है तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अगर 30 बनाना है तो 3 से, इसको 13 बनाना है तो 6 से। एक्चुअली मैं इन नंबरों का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं ऊपर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 दूनी 12, ठीक है। 3 के साथ 7 की और 3 के साथ तो 21:9, 2 के साथ 11 की 2 के साथ 4 की तो 11:22:4:8। उसने कहा कि अब कंटेनर जो है वो इक्वल क्वांटिटी है और कितने के, 30, इनका भी सम 30 आ रहा है, इनका भी सम 30 आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो कंटेनर है वो इक्वल क्वांटिटी है, अगर मैं इन सबको मिला लेता हूँ, मिला दो, मिलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होगा क्या, अगर मिल्क है तो सम होने के बाद भी मिल्क ही रहने वाला है, अगर वाटर है तो सम होने के बाद वाटर ही रहने वाला है। ये तो है नहीं कि यहाँ वाला वाटर वहाँ जाकर मिल्क बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पर वाटर है तो वहाँ भी वाटर ही रहेगा। तो इन सबको अगर मैं इकट्ठा तो क्या करेंगे, मिल्क के साथ मिल्क को ऐड करेंगे और वाटर के साथ वाटर को ऐड करेंगे। तो रेशियो किस में निकालना है, मिल्क रेशियो वाटर में। तो मैंने मिल्क सारा इकट्ठा कर लिया और वाटर सारा इकट्ठा कर लिया, 61:29, ये हमारा फाइनल आंसर है। ऐड कर लो 18 21, ये कितना हो गया, 39 में 22 जोड़ोगे तो 60, ठीक है, और 29 बन जाएगा, यही हमारा क्या फाइनल आंसर है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
ट्रेन के डिब्बे में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ट्रेन का डिब्बा जो होता है उसकी वो बात कर रहा है कि पहले किराए का रेशियो दे रखा है और फिर पैसेंजर का रेशियो दे रखा है, और वो जानना चाहता है कि जो सेकंड क्लास के डब्बे में सेकंड क्लास के डब्बे में जो बैठे थे उन्होंने कितने पैसे दिए होंगे टोटल। तो क्या दिया हुआ, किराया जो दिया वो 3:1 में दिया। फिर शुरुआत में क्या कहा कि कह रहा कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ट्रेन के फेयर जो है किराया बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच की बात चल, तो यहाँ वाले स्टेशन से चले और यहाँ स्टेशन उतर गए, ठीक, इन स्टेशन के बीच का जो किराया उन्होंने लिया वो 3:1 में लिया। अगर फर्स्ट क्लास वाले का किराया 3 है तो सेकंड क्लास का 1 है, अगर फर्स्ट क्लास का 30 है तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। ये रेशियो दे रखा है ना कि कोई वैल्यू दे रखी है, तो हमें रेशियो का पता चल गया, ठीक है। उसने बात कहा कि जो पैसेंजर है ये हो गया फेयर हमारा, ये पैसेंजर की बात कर रहा है कि फर्स्ट क्लास में तो 1 और रेशियो दे रखा है 50 किसके साथ, सेकंड के साथ, ये क्या है फर्स्ट है ये सेकंड है। सॉरी, किराया दे रखा है रेशियो में और पैसेंजर के दे रखा है। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जो है बस में ट्रैवल करता है और एक अकेला है मतलब बस में और 10 रुपये किराया लगा तो टोटल कलेक्शन कितनी, 10 हुई ना, कैसे की 10 के साथ 1 की मल्टीप्लाई कर ली वो टोटल हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि 2% ट्रैवल कर रहे हैं और 10 रुपये किराया तो टोटल कलेक्शन कितनी हो जाएगी, तो 10 के साथ 2 बंदे गए ना तो 10 × 20 टोटल किराया कितना लगा, 2 × 20 ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगर 3 रुपये किराया है और 1% जाता तो टोटल कलेक्शन कितनी होती, 3 होती। अगर 1 रुपये किसी का किराया और 50 बंदे जा रहे हैं तो किराया कितना लेगा, 50 लेगा, टोटल किराया कितना होगा, 53। टोटल जो कलेक्शन है वो कितनी होगी, 53 होगी। उसने कहा 53 नहीं है, 1325 रुपये टोटल जो कलेक्शन है वो 1325 हमें दी हुई है। तो उसने कहा कितने का मल्टीपल है, 25 का मल्टीपल है। अब पूछा क्या हुआ, उसने पूछा सेकंड क्लास का जो डब्बा था उसमें टोटल पैसे पूछे, तो सेकंड क्लास के टोटल पैसे कितने हैं, 50 है, और 50 का 25 मल्टीपल कर दो तो कितना बनेगा, 1250। यही हमारा क्या फाइनल आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सीखने वाली चीज़ ये है बस। मैंने पहले क्वेश्चन किया था ऐसा ही, तो वहाँ उसमें जो जिक्र था वो कुछ सिनेमा हॉल का था और डायमंड और सिल्वर टिकट जो होती है हमारी उस पर पूछ रहा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था कि इतनी सवारी इतने जो पर्सन है वो सिल्वर लेके जाते हैं, इतने जो पर्सन है वो डायमंड लेके जाते हैं, और डायमंड का किराया और उसका रेशियो दे रखा था साथ साथ, तो वो पूछ रहा था कि सिल्वर में टोटल कलेक्शन कितनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, इन ए क्रिकेट मैच 3 प्लेयर ए बी एंड सी स्कोर ए टोटल ऑफ 361 रन, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय ए टू दैट द स्कोर्ड बाय बी एंड आल्सो स्कोर्ड बाय बी टू दैट स्कोर्ड बाय सी बी 3:2, ए ने कितने रन बनाए, बस ये पूछा हुआ है। चलो हिंदी कर देते हैं क्वेश्चन की, हिंदी करने में कुछ नहीं जाता हमारा। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, 3 बंदों ने मिलकर 361 रन बनाए, उन्होंने कहा पहले के साथ जो ए के साथ बी का रेशियो और बी के साथ सी का रेशियो दोनों का आल्सो सेम है वो कैसा है, 3:2 है। तो उसने कहा कि ए ने कितने रन बनाए, एक बात देखो ए रेशियो बी रेशियो सी की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात। उसने कहा ए और बी का रेशियो भी 3:2 है और इसका भी 3:2 है, पहले तो एक रेशियो बनानी पड़ेगी, एक रेशियो बनाने के लिए इसको 3 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बनेगा, 9 बनेगा, ये टोटल कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और ये कितना बनने वाला है, 2 × 4 बनने वाला है। तो ये टोटल रन बनाए ए बी सी ने, लेकिन टोटल कितने बनाए, 361 रन, टोटल रन कितने, 361। अब क्वेश्चन समझने वाला ये है कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 19, तो 19 की वैल्यू 361, तो 1 की वैल्यू 19, और पूछा क्या गया हमें ए कितने रन बनाता है, ये तो 9 बनाता है, 9 नहीं 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो 171। अच्छा प्लेयर है जिन्होंने इतने रन बनाए अकेले ने, जिस भी देश में खेलेगा अच्छा खेलेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा काम क्वेश्चन करना है, अगर प्लेयर अच्छे होते तो फिर खेल रहे होते, पढ़ाई ना कर रहे होते, ठीक बात है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अरुण इन इंग्लिश एंड मैथ 170, इंग्लिश और मैथ में टोटल जो मार्क्स है 170 बने, उन दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है कितना, 10, तो उन दोनों का डिफरेंस मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि इंग्लिश में ज़्यादा आए और मैथ में कम आए और दोनों का जो डिफरेंस था वो 10 था,
यहाँ से ई और एम की वैल्यू निकाल लो और ई और एम का रेशियो निकाल लो। लेकिन हमें निकालना क्या, ई और एम का रेशियो निकालना है। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी को ट्राई कर लें। पहले दे रखा है 7 और 8, इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 15। वो तो कह रहे हैं कि 170 है, ये इसका मल्टीपल ही नहीं है। पहली बात तो फिर ये ऑप्शन गलत है, जो मल्टीपल नहीं है वो कैसे एक की वैल्यू 10 दे देगा, ठीक है ना। डिफरेंस कितने का, एक का, और वो तो कह रहा है कि 10 का आना चाहिए। अगर 10 का डिफरेंस मैं लेता हूँ तो ये कितना बनेगा, ये 70 बनेगा, ये 80 बनेगा, फिर इनका सम जो है वो 1:17 ही आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली गलत हो गया। फिर दूसरा जो दिया हुआ है वो 8:7 दिया हुआ है, ये वाला भी गलत है क्योंकि वही सेम बनने वाला है, बीच का डिफरेंस है 1 का, 1 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो फिर इन दोनों की जो है वो 80:70 हो जाएगा, तब भी ये गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन दिया वो 9:8 दिया हुआ है, सम कितना, मल्टीपल कितना हो गया, 10 का मल्टीपल हो गया ना, 17 सम बनेगा, 10 का मल्टीपल हो गया, तो इसका गैप कितने का आएगा। अगर एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू पे 10, यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर भी एक की वैल्यू, वो डिफरेंस जो है वो यही है, आंसर हमारा यही है, 9:8 इसका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये कह रहा है कि फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ द प्योर मिल्क, प्योर मिल्क का भरा हुआ कोई कंटेनर है, उसमें से 20% निकाला, उसकी जगह वाटर डाल दिया, फिर 20% निकाला, फिर वाटर डाल दिया, फिर 20% निकाला, फिर वाटर, ये 3 बारी ही प्रोसीजर हुआ। तो उसके बाद वो जाना चाहता है कि मिल्क कितने प्रतिशत बचा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिशत में बताना है तो बिल्कुल भी क्वांटिटी की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, और क्वांटिटी दे भी नहीं रखी, तो मैं मान लेता हूँ कि प्रतिशत में जब 100 निकालना तो पूरी पूरी वैल्यू मान लिया करो 100 कि 100 लीटर कुछ मिल्क था, पहली बार में 20% निकाला तो कितना बचा, 80 बचा, और 20 लीटर क्या आ गया, फिर वाटर आ गया। अब मेरे को वाटर से तो कोई लेना देना नहीं है, हर बार 20% निकालना है। अगर प्योर मिल्क मैं निकालता रहूँगा 20%, बचा हुआ कितना है 80। अब अगर 20% जिस भी बच्चे ने इससे ही दोबारा निकाला उसका क्वेश्चन गलत हुआ, अगर इससे 20% प्योर मिल्क बाहर निकाला है तो फिर क्वेश्चन ठीक रहेगा। चलो फिर से 20 निकालेंगे तो 80 का 20% कितना होता है 60, तो यह क्या बचेगा 64+36 हो जाएगा, क्योंकि 20 लीटर फिर से वो वाटर आएगा। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे 20 में 20 लीटर वाटर मिलेगा तो 40 लीटर होगा, भाई 20% इसका टोटल निकालना क्या है, टोटल का 20% निकालना है ना, तो 20 लीटर में जो 20 का 20 लीटर निकलेगा, सॉरी 20 का 20% जो निकलेगा वो कितना निकल गया, 4 निकलेगा, तो बचेगा कितना 16 बचा हुआ, और फिर 20 मिलेगा तो 36 बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो समझनी आपको है, हमें वाटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमारे को मिल्क के साथ, क्योंकि मिल्क हमारे को पूछा हुआ है। इसका 20% फिर से निकाल दो, इसका 20% निकालना है। अब मेरे को इतनी आसानी से कैसे पता चल 6.64 का 20% निकालना है, ये होगा 10% की वैल्यू और ये होगी 20% की वैल्यू, 64 × 2 = 128 और एक पॉइंट लगा दिया मैंने 12.8। अब ये 20 में से कम कर दो, अब फाइनल बच गया कितना, बच गया 51.2 प्लस अब जितना बच गया वो 48.8। अगर पूछ ले कि लास्ट में वाटर कितना हो जाएगा तो 48.8 हो जाएगा, अगर वो पूछ लेते हैं कि मिल्क कितना बचेगा तो 51.2 बचेगा, दोनों ही हमारे आंसर आ जाएंगे। अगर मैं ये ना लिखना चाहूँ तब भी क्वेश्चन हो जाता, मान लो कि मेरे को वाटर पूछा हुआ है कि कितना होगा, तो करना क्या हर बार 100 लिखो, पहले 20% कम कर दो कितना बचेगा 80, फिर 20% कम कर दो 64, फिर 20%, 1, 2, 3 ऑपरेशन लगाने, 3 ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बनेगा इसका 51.2। अब पूछ लेता है कि वाटर कितना है, अगर किसी कंटेनर में 51.2 100 लीटर का लेके चला था, 51.2 जो मिल्क है तो बचा हुआ सारा क्या होगा, वाटर होगा, तो इसको अगर मैं 100 से कम कर देता हूँ तो 48.8 है, वो क्या आएगा परसेंटेज में पूछा हुआ परसेंटेज क्या हुआ, वाटर होगा, इतना परसेंट वाटर रह जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक मैन 8600 रुपये है वो बांटता किस में, अपने सन में, डॉटर और नेफ्यू में, ये बता रहा है। अच्छा वो बता भी रहा है कि नेफ्यू का 4 गुना तो डॉटर 4 गुना ज़्यादा मिलता है, तो इसको 1 मिलता है तो इसको 4 गुना मिलता है, एज मच 4 गुना मिलता है, इसको 1 मिलता है तो इसको 5 मिलता है। अब कॉमन पार्ट अगर सेम हो, दोनों में कॉमन कौन है, नेफ्यू है, और वो दोनों में 1-1 है, तो टोटल फाइनल रेशियो क्या बनेगा 1, 4 और 5,
सब कुछ उतार लो। उसमें बताया भी हुआ है कि जो सन है वो 5 है, डॉटर है वो 4 है और नेफ्यू है वो 2 है, ठीक है। अगर एक बच्चे को 5 रुपये मिलते हैं, एक सन को 5 रुपये मिलते हैं, तो 5 को कितना मिलेगा, 25 रुपये मिलेंगे। अगर एक डॉटर को 4 मिलते हैं तो 4 डॉटर हैं, तो टोटल कितना मिलेगा, 16 मिलेगा उनको। अगर एक नेफ्यू को 1 रुपये मिलता है, एक नेफ्यू को 1 रुपये मिलता है, तो दो नेफ्यू को कितना मिलेगा, 2 रुपये मिलेगा। इन सब का सम जो है 43 है, लेकिन वो तो कह रहा है कि 8600 दिए, क्वेश्चन वाला बता रहा है ना कि 8600 जो है वो दिया हुआ है, तो कितना मल्टीपल हो गया, 200 मल्टीपल। पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है एक डॉटर को कितना मिलेगा, तो ये अगर आप निकाल रहे हो तो ये कौन है, 4 डॉटर का है, एक डॉटर का है, एक डॉटर का ही है, तो एक की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू 800, यही हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आज रेशियो की लास्ट क्लास है, उसके बाद एलिगेशन मिक्सचर पढ़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि 640 रुपए के क्या दे रखे हैं, नोट है, कैसे हैं, रुपए हैं, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए में कोइन लगा लो, कि 1 रुपए का कोइन है, 5 रुपए का कोइन है, 10 रुपए का कोइन है। उसने कहा कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल, सारे जो कोइन है या फिर रुपीज है वो सारे इक्वल इक्वल है। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट, नोट लगा रखे इसने, नोट जो होते हैं हमारे पास, 100 का नोट, 200 का नोट, वो नोट की मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि सारे जो हैं वो सेम है, सेम का मतलब वन रेशियो वन। रुपए दे रखे हैं तो मेरे को रुपए बनाने पड़ेंगे, ये तो नोट है तो रुपए बना लो। रुपए कैसे बनेंगे, एक का एक ही नोट है तो 1 रुपये बनेगा, 5 का 1 नोट है तो 5 रुपये बनेंगे, 10 का 1 नोट है तो 10 रुपये बनेंगे। लेकिन अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो मेरे को 640 मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना, 16। तो मतलब कितने का मल्टीपल है, 40 का मल्टीपल है। अब पूछा हुआ क्या, पूछा हुआ है कि टोटल नोट कितने हैं उसके पास, तो टोटल नोट कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 नोट होने चाहिए, लेकिन 3 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, एक की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 120। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर वो पूछ लेता कि 10 रुपये के 10 रुपये में कितने टोटल रुपये बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 10 रुपये में 10 वाले नोट के कितने रुपये बनेंगे, तो 10 नोट है, और 10 ना होगा 40 से मल्टीप्लाई कर दो 400। 5 वाले की बात करता तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करता और कितना आ जाता, 200। एक की बात करता तो इससे मल्टीप्लाई, अगर सबको जोड़ोगे तब भी 640 ही आएगा, क्योंकि 640 का रेशियो तो है जो पैसे बांट रखे। चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, एक कंटेनर कंटेन, सबसे अच्छा मेरे को क्वेश्चन लगता है, सिंपल है थोड़ा, कैसे करना है। बोला एक कंटेनर है, 7:5 उसमें मटेरियल है, उसने 9 लीटर बाहर निकाला और उसकी जगह बी डाल दिया, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कि 9 लीटर जो है मिक्सचर बाहर निकाला, मतलब ए प्लस बी जो है दोनों मिल के 9 लीटर निकले, और बोल रहे हैं कि बी जो है, बी जो है 9 लीटर वापस डाल दिया, उसके बाद जो रेशियो है कंटेनर का वो 1:1 बन जाता है। तो ये बताओ कि इनिशियल में ए कितना था। अच्छा क्वेश्चन, एक बात सोचो, अगर चाय का एक कप है, उसमें चाय और चीनी के साथ अगर रेशियो दे रखा है, या फिर वाटर और मिल्क का अगर रेशियो दे रखा है, वाटर और मिल्क का अगर रेशियो दे रखा है, कह रखा है कि 7:5 है, 7 वाटर है, 5 मिल्क है, उसने बोला कि उस, तो एक बात देखो कि चाय के एक कप में ये तो होगा नहीं कि पानी पानी दूसरे कप में चली जाएगी और चाय जो मिल्क है वो एक कप में रह जाएगा। जब भी आप एक कप को डिवाइड करोगे, अगर उसमें से कुछ बाहर निकालोगे, तो चाय का जो रेशियो नीचे रहता है वही ऊपर रहता है, तो वो सेम निकल के आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 9 लीटर निकाला, वो बात मेरे को पहले समझी या मेरे को सुनी नहीं, और मेरे को डायरेक्ट पता चला कि बी डाला जाता है 9 लीटर, उसके बाद रेशियो ये हो जाता है। कल हमने एक क्वेश्चन किया कि ऐसा रेशियो बी डाल दिया जाता है तब रेशियो ऐसा हो जाता है, तो बताओ फाइनल रेशियो क्या होगा। ये तब भी ऐसा सेम क्वेश्चन गया था, लेकिन ये 9 लीटर बाद में काम लेना है। कैसे काम लेना है मैं बता देता हूँ। एक बात देखो, कितना डाला, 9 लीटर बी डाला है, रेशियो बन गया ये, ए में तो कोई फर्क नहीं है। तो ए के रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो ये 7:7 बना लेंगे, क्योंकि ये सेम बना लेंगे हम, तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं फाइनल सारा कंटेनर की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ, तो मैं नीचे वाला पार्ट उठाने वाला हूँ, ऊपर वाला नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसमें से 9 लीटर निकाल रखा है,
हमें भले ही पता ना हो लेकिन हमें समझना है इस चीज़ को कि पहले भूल जाना है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नो लिटरेज में से निकाल रखा है उसके बाद का रेशियो है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेशियो तो कोई फर्क ही नहीं डाल रहा, जो निकाला उसका रेशियो भी यही है, लेकिन उसमें से कुछ मटेरियल है वो बाहर निकाल रखा है। वो कितना मटेरियल निकाल रखा है? टू। कैसे पता चला? सेवन प्लस सेवन, सेवन प्लस फाइव। यहाँ वाला कंटेनर जो है उसमें अब नो निकाला नो डाला तो कंटेनर तो सेम होने चाहिए, तो ये वाला जो कंटेनर है वो कंप्लीट कंटेनर होगा क्योंकि उसमें से नो निकालने के बाद वाला जो है नो निकालने के यहाँ तक का जो रेशियो ले रखा हमने, तो ये वो कंप्लीट फिल वाला रेशियो, नो लीटर डालने वाला, नो लीटर डालने के बाद जो रेशियो बना वो ये है। चलो दो की वैल्यू जो है वो नो है तो सेवन प्लस सेवन फोर्टीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63। अब वो पूछ रहा है ए की वैल्यू, इनिशियली बाद की बात करता तो आधा कर देते और क्वेश्चन सोल्व हो जाता क्योंकि सात की वैल्यू निकालनी होती तो 14 की वैल्यू इतनी है तो 7 की आधा। लेकिन उसने कहा फाइनल नहीं, उसने इनिशियल पूछा, वो लास्ट में बोला है कि इनिशियली ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो ए कितना है? 7 है। किस में से? 12 में से, 12 में से 7 है, टोटल की वैल्यू निकाली। अब 14 की वैल्यू इतनी है, चलो दोबारा समझा देता हूँ अलग से कि 63 जो है वो 12 की वैल्यू है तो मेरे को 7 की वैल्यू पूछी हुई है वो बताना है, तो 36.75 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। निकाल लेना, इसको डिवाइड करोगे 7 से मल्टीप्लाई करना। अगर वो बी पूछ लेता कि इनिशियली बी कितना था तब क्या करते? 5 की वैल्यू निकालते तो 12 को डिवाइड करते फिर 5 से मल्टीप्लाई करते, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू 5 और इंटू 5 तो 26.25 ये हमारा फाइनल आंसर होता। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आज का। चाय पत्ती के भाव की बात कर रहे हो, 126 रुपये भाव खरीद के लाया कुछ चाय पत्ती, कुछ 135 रुपये और कुछ बता नहीं रखा रेट तीसरे का। मैं मान लेता हूँ कि एक्स के भाव खरीद के लाया, तो 126 के भाव खरीद दी, 135 के भाव लेके आया और एक्स के भाव लेके आया, लेकिन किस रेशियो में लेके आया ये चाय पत्ती? एक रेशियो दो में लेके आया। फाइनली कितना 153 एवरेज है सारी चाय पत्ती का, उसको घर में आके पता चला कि सारी चाय पत्ती जो 153 रुपये के भाव में पड़ गई, तो वो जानना चाहता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो अगर एवरेज है ये तो कितने की एवरेज है? एक दो और दो चार की, तो ये एवरेज चार की। अगर मैं को टोटल निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 4 × 153 ये हो जाएगा, ठीक है। ये एवरेज से भी होता है क्वेश्चन, रेशियो भी से भी होता है, दोनों से जैसे मर्जी आप कर लेना। 126 से कम 126, 135 एक किलो लेके आया तो 135 रुपये लगे, लेकिन दो के साथ 2x। अगर इस चीज़ को सोल्व करोगे तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 175.5, यही हमारा क्या आंसर है। एक तरीका और भी था, अगर ये 11 है, अगर ये 11 है तो इसका डिफरेंस कितना है 153 के साथ? 27। और कितना मटेरियल है? एक प्लस। इसका डिफरेंस 153 के साथ कितना है? 35 से 15 और 3 18 का, और मटेरियल कितने? एक है। कितने मटेरियल के लिए निकालना है? काटने के बाद ऐड करने के बाद आंसर आएगा 22.5। अब ये जो है इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ये दोनों वैल्यू ही छोटी है इससे, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, तभी जाके 153 एवरेज आएगा। जब दो चीज़ 153 से एवरेज से कम है तो जाहिर सी बात है जो बाद वाली चीज़ है वो महंगी लेके आया, तभी वो 153 की एवरेज आए। चलो ये जो चीज़ है ये ऐड कर दो, ये एवरेज से हो रहा है क्वेश्चन, पहले रेशियो से किए थे, अगर एवरेज से करना है तो ये ऐसे करेंगे, 153 में इसको सिर्फ ऐड करना है और क्वेश्चन का आंसर जो है 175.5 आया, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो कल एलिगेशन की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।